अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय। अगर तू इतने थाम लिए पागल झाली मला बघून ती। थांब तिला येऊ दे 5 मिनिट। तो अभी हम प्रीती खाऊ खायला चाललेत ना आम्ही तिघी जणी, म्हणून एकमेकांची वाट पाहतात आम्ही। आणि आजचा बिल पे करणार आहे अफरिंदी। मी रोजच पे करते। तू नेहमी फुकट खाते, नेहमी मीच पेमेंट करते। आज पहिल्यांदा तू करा ना पेमेंट। अभी हम लोग देख रहे प्रीति का, वेट कर रहे हैं। अभी वो आएगी तो हम लोग निकलेंगे। और वीडियो थोड़ा सा ब्लर ब्लर लग रहा है, पता नहीं क्यों। मोबाइल में शायद से मेरा ऑयल का हाथ लगा। एक मिनट, मैं मोबाइल पोस्ट कर। तो हो गया मेरा मोबाइल क्लीन, क्योंकि उस पर ऑयल का हाथ लग गया था, इसलिए वो दिख नहीं रहा था। तो अभी हम लोग अभी 2-3 दिन के बाद सोचा था कि जाएंगे, तो आज टाइम निकला है। मेरे को भी आज काम पे लेट हो गया था। अभी बज रहे 9, तो हम लोग सब लोग जा रहे ब्राउनी खाने के लिए। मेरे को तो मन नहीं करा, प्रीति को मन करा, इसके लिए उसके साथ जा रही हूँ मैं अभी। तो बहुत टाइम से बोल रही थी जाएंगे जाएंगे, तो अभी निकले। तो मैं खड़ी हूँ उसका वेट कर रही हूँ, वो आएगी वैसे हम लोग निकलेंगे। फिर एक खड़ी लड़की नीचे जाके दिख रही आपको, उर्वशी ज़्यादातर आगे थे। उर्वशी उसका भी गुस्सा आया, क्योंकि उसका 8 बजे छुट्टी थी ना बेचारी, 1 घंटे से हमारा वेट कर रही थी। और मैं 8:30 बजे फ्री हुई, फिर फटाफट चेंज किया मैंने, फिर निकली। और मेरा आवाज़ भारी है ना, वीडियो चालू है ना मेरा, इसके लिए आवाज़ से बात कर रही। तो चलो हम लोग निकलते हैं, फिर बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो क्या खा रहे हैं हम लोग दिखाते, पहले भी मैं एक बार वीडियो में बनाया है कि बहुत दिन बाद हम लोग अभी वीडियो, मतलब बहुत दिन बाद खाने जा रहे हैं। चलो बाय। प्रीति की छतरी का वीडियो बनाती हूँ, पीछे से हाइप का पड़ गया था। प्रीति तेरी छतरी का वीडियो बना रही मैं। मैं बोल के आई थी हम ब्राउनी खाने जा रहे हैं, आराम से बोलिए। दोन मीडियम दोन टिकट नहीं, गई तुम अब वो उस रोड के उस पार गए। हम लोग कुछ खाने और आए थे, कुछ खाने और बैठे थे। तो खा पी के मैं आ गई घर पे। घर पे आने तक ये सब बनाने की तैयारी हो रही थी। मैंने बोला क्या बना रहे हो, तो इसको पंजेरी बना रहे थे लोग। तो मैंने फटक से आते वीडियो स्टार्ट किया। ये सब फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट कट करके रखे हुए, गुड़ को मैश करके रखा हुआ है, काजू बादाम पिस्ता, ये गुड़, फिर डिंक, फिर बाद में सोड, फिर ऐसे पता नहीं क्या 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 था, ये सब रखा हुआ था। ये फिर मम्मी यहाँ पर फ्राई कर रही है डिंक। तो जब तक मैंने बाजू में सब मिक्सर में लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं जब तक मिक्सर में पीस रही थी, सो होती ना ये जो वाइट कलर के रखा हुआ है, मैं भी ले रही हूँ पीसने के लिए। तो ये अच्छे से फ्राई कर रहे पहले, तो ये स्लो गैस में अच्छे से फ्राई करना होता है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहते। इसके लिए इसको स्लो गैस में अच्छे से फ्राई करो। जैसे फ्राई होते हैं फिर वो अच्छे से मोटे हो जाते हैं। फिर ये बाजू में रखा हुआ है खोपरा खिसके, तो मैं इसको देख रही हूँ उसमें कुछ जाड़ा तो नहीं है, वो निकाल के मैं इसे खा रही हूँ वो जाड़ा जाड़ा। फिर बाद में से होने के बाद ये हो गए फ्राई एक राउंड, ये निकाल के रखा साइड में। फिर अभी अम्मी डालेगी दूसरा राउंड, जब तक यहाँ पर आए वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पर बात भी हो रही है, साथ में फ्राई भी हो रहा है। फिर जैसे ही फ्राई होता है फिर थोड़ा हम लोग मखाने लेंगे। मखाने को भी अच्छे से घी में फ्राई करके लेंगे, इतना कि वो कड़क हो जाए। फिर डालेंगे हम लोग ये काजू, काजू को भी अच्छे से लाल करके लेंगे, एकदम कड़वा काला नहीं करना है, हल्के से फ्राई करना है। फिर ये रहेगा अखरोट, इसको भी अच्छे से फ्राई करना है। और ये मैंने पीस के ले किया लो लिया सोंड होता है ना, अदरक सूखा, मैंने पीस के ले लिया मिक्सर में अच्छे से छान के। फिर इसके बाद में ये डिंग भी मैंने पीस लिया अच्छे से मिक्सर में, इसको भी बारीक करना है एकदम पीस के। तो जब तक पीस रही हूँ तो अम्मी ने फ्राई किया, जब तक सूखे अंगूर मनो के देखो कैसे हो गए पीसने, घी में फ्राई बन करने के बाद मोटे मोटे। फिर अब इसके बाद ले रहे हैं हम लोग सब ड्राई फ्रूट एक साथ में करेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे खोपरा। फिर खोपरे को भी हल्के घी में फ्राई करेंगे, और इलायची का पाउडर है, ये सोल्ट है, ये गुड़ है, फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद सब लेके बैठी अम्मी अभी बाहर, फिर इसको मखाने को भी हमें पीस रही हूँ बारीक। मिक्सर में पीसना मैं भूल गई थी, इसके लिए मैं ऐसे उपली में पीस रही हूँ छोटू सी, ज़्यादा ही नहीं थोड़ा थोड़ा। फिर सब ड्राई फ्रूट लेंगे, उसमें गुड़ मिलाएंगे, ये सब ड्राई फ्रूट है, इसमें खोपरा वगैरह काजू बादाम वो रखा हुआ, सोट इलायची भी हाथ में लेके सब हमें मिक्स करेंगे हाथ से। गर्म है ना अभी ये, हल्का सा गर्म है, ज़्यादा नहीं, घी में गर्म किया हुआ है ना,
तो इसको अपने हाथ, ये प्लेट हो रही है छोटी क्योंकि हो नहीं रहा है फ्राई का, मतलब अच्छे से मिक्स करने नहीं हो रहा था। तो ये दारे सोंड का पाउडर, सब एक एक चीज़ डालोगे तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है खाने के लिए। अभी ये मेरी अम्मी शायद से फर्स्ट टाइम ही बना रही है घर में, तो इतना पता नहीं। अभी ये डाला हूँ उसने डिंक, इससे होता है लड्डू बनते हैं अच्छे से, पर लड्डू नहीं बनाना है, हमें ऐसे ही भरने में भर के रखने के लिए फिर खाने के लिए। अभी ये डाल रही हूँ यहाँ पर सब मसाला, काजू बादाम मनुके अखरोट जो भी है ड्राई फ्रूट सब, ऐसे पिस्ता वगैरह सब फ्राई किया हुआ इसमें, इसको अच्छे से डाल दिया। और हो रही है अभी ये परात छोटी, ये परात में ऐसा लग रहा है अभी गिर जाएगा नीचे, आ भी नहीं रहा उसको मिक्स करने के लिए। फिर हम लोग इसको करेंगे दूसरे कढ़ाई में खाली, बड़े वाले बर्तन में कर दिया उसको खाली, अच्छे से मिक्स करने को आना चाहिए ना, सब मसाला एक में को लगना चाहिए, मीठा लगना चाहिए इसके लिए दूसरे। कोई कोई इसको शक्कर का भी बनाते हैं, पर हम लोग को शक्कर का पसंद नहीं है, गुड़ का अच्छा लगता है, तो हमने बनाया गुड़ का। तो चलो इसको अच्छे से दोनों हाथ से मैश करें, और जब तक मैं बाजू में पीसी रही हूँ जो बचा हुआ है उठ ही रही, क्योंकि रात में बज गए थे ऑलमोस्ट 11 बज गए थे बनाते बनाते 11 बज गए थे। तो अभी चलो धीरे 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 अच्छे से एक जो मोटा मोटा लग रहा है गुड़ वो अच्छे से करके फिर हो गया, इसको मिक्स करके रख देंगे अभी सुबह तक के लिए, इसका गुड़ जो अच्छे से एक में को लग गया। ये लगा दिया इसको परात अच्छे से झाँक के रख देंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।